अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपके पूरे भाई की टीम हाजिर है। अल हबीब पे खाना खाने के बाद हम लोग निकले नॉर्डन बाईपास, मतलब अल हबीब के साथ जो रोड बिल्कुल लेफ्ट पे जा रहा है उसको नॉर्डन बाईपास कहते हैं। हुनानी गडल फॉर्म का आज आर लॉग देखने जा रहे हैं आप लोग। तो भाई पूरी टीम निकली, फिर हम पहुँचे गडार टूल पे। गडार टूल पे करना बहुत ज़रूरी है, पे नहीं करोगे तो वापसी में रोक लेंगे। लड़कों पे कर देना वरना 500 का फाइन पे करना पड़ेगा। खैर अभी आप लोग फोकस करें रास्ते पे, हमें जाना है बिल्कुल स्ट्रेट। देन इसके राइट पे अल सिराज फार्म हाउस लिखा हुआ है, जैसा आपने देखा हमें इस रोड पे बिल्कुल स्ट्रेट जाना है। अब मेरी कोशिश ये कि शॉर्ट्स को स्लो कर करके मैं आप लोगों को स्लो मोशन करके आप लोगों को रास्ता गाइड करने की कोशिश करूँ, तो रास्ते को ठीक से समझ लो। वैसे भी इस आर लॉक के डिस्क्रिप्शन में आपको लोकेशन का लिंक मौजूद है, मगर अपने भाइयों के लिए कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश हमेशा रहती है। खैर लड़कों आप लोगों को बिल्कुल स्ट्रेट जाना है, आपका भाई जितनी अच्छी लोकेशन गाइड कर सकता था वो अपने इस आर लॉक के जरिए करेगा। खैर दोस्तों आप जाते रहेंगे सीधा, देन राइट पे टर्न आ रहा है, आपको यहाँ पे ही बिल्कुल स्ट्रेट जाना है। अच्छा दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सारे फार्म हाउस बने हुए हैं तो ये भी इज़ अ गुड पॉइंट। देन आपके सामने सनराइज़ वाटर पार्क आ जाएगा। सनराइज़ वाटर पार्क वाले रोड पर आपको स्ट्रेट जाके लेफ्ट पे यू टर्न हो रहा है। वैसे तो ये रोड स्ट्रेट ही है मगर यू टर्न करते हुए जा रहा है। खैर यहाँ पर आपको सैम्स वाटर पार्क का एक चौक नज़र आएगी, सैम्स वाटर पार्क से भी स्ट्रेट जाना है। ईजिली बिल्कुल स्ट्रेट जाते रहेंगे तो राइट हैंड पे हमारे आएगा आइडियल फार्म हाउस। तो आइडियल फार्म हाउस के बिल्कुल राइट पे जो रोड जा रहा है बिल्कुल यहाँ पे स्ट्रेट जाएंगे और हम पहुँचने वाले हैं बस हुनानी गडल फार्म। तो लड़कों इस रोड पे स्ट्रेट जाके आइडियल फार्म हाउस के लेफ्ट में मुड़कर स्ट्रेट जाना है और वेलकम टू हुनानी गडल फार्म। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की शौकीन की दास्तान लेके आपका भाई हाजिर है। माशाल्लाह से शौकीन के वाले साहब का शौक था बकरों का, तो काफ़ी टाइम से मेरे दोस्त के वाले साहब शौक कर रहे थे बकरों का घर पर। यकीनन जब शौक की बात है तो मुझे जैसे शौकीन दोस्त अहबाब ज़रूर जाते हैं सेटअप देखने यार कि कैसा सेटअप था। जब सेटअप देखा तो कहा है माशाल्लाह से तुम्हारे वालिद ने खूबसूरत सेटअप किया हुआ है, तो तुमने क्यों नहीं किया हुआ, मतलब तुम्हारे अंदर शौक और जज्बा नहीं है। बस ये जो डायलॉग था ना इसने शौक का जज्बा बढ़ाया और माशाल्लाह से भाई ने सेटअप स्टार्ट किया। अच्छा वालिद को बकरों का शौक था तो दोस्त को मेरे जो था बड़े जानवरों का शौक था, इस तरह से उन्होंने स्टार्टअप लिया। पहले उन्होंने फार्म पर माल पालना शुरू किया, छोटी सी जगह थी वहाँ पर इन्होंने 20 से 21 माल पाला और उसको मंडी में सोल आउट किया, मतलब ना कोई नाम था ना कुछ था, बस स्टार्टअप जिसे कहते हैं ना वो था। तो जब उन्होंने सेल आउट किया वो प्राइस की कैटेगरी थी 1 लाख से लेके 2 लाख का माल। फिर माशाल्लाह इस साल इन्होंने एक अच्छा सेटअप किया हुनानी गडल फार्म के नाम से, और सबसे बढ़कर यहाँ पर इन्होंने इस तरीके की कुछ चीज़ें क्रिएट की, मतलब सबसे बढ़कर फैमिली इन्वायरमेंट। अब जाहिर सी बात है जब शौकीन होता है फैमिली का शौक होता है तो चाहते हैं लोग क्या मेरी फैमिली भी जाए तो वो भी इंजॉय कर सके। जैसे आप जैसे मुझ जैसे लड़के तो किसी भी बाड़े पर जा सकते हैं यार शौक करने के लिए, एक कप चाय की शौक अपने जानवर बैठे और आ गए, मगर जहाँ फैमिली का शौक है तो वहाँ पर फैमिली इन्वायरमेंट होना भी ज़रूरत है। तो इस तरीके से उन्होंने सेटअप बनाया माशाल्लाह से और यहाँ पे माल पालना शुरू किया। अब बात करें तो माल की कैटेगरी की, तो माल की कैटेगरी 2 लाख से स्टार्टअप है और कुछ ऐसा कलेक्शन, मतलब मेरी रेंज वाले, मतलब जिस तरीके का माल मैं करता हूँ कुर्बानी, उस रेंज में बहुत खूबसूरत प्रिंट है। कुछ बछड़े ऐसे हैं गुलाबी नाक के उनका चेहरा एंड है माशाल्लाह, एक काला गेना, 2 गेनियाँ, गुलाबी नाक की बछड़ियाँ, शार्ले बछड़ी और एक मेल का बछड़ा, उसकी आँखें एंड। तो ऐसा प्रीमियम कलेक्शन लेके हुनानी गडल फार्म इस बार मौजूद है, पहला साल है, लेकिन मैं भी सपोर्ट कर रहा हूँ। आप जैसे शौकीन भी विजिट करें, लोकेशन वगैरह मैं आगे बताता हूँ आप लोगों को। माल लेकर स्टार्ट करते हैं, माल से पहले टीचर देखते हैं फिर कलेक्शन देखते हैं। चलो we'll be right back.
लेट्स प्ले द रियल गेम, मतलब अब दिखाते हैं हुनानी का कलेक्शन। दोस्तों सबसे पहला सबसे हसीन बछड़ा, माशाल्लाह। दोस्तों मेरी कोशिश रहती है कि हर बछड़ी की खूबसूती और हुसन सही से निखर कर आए, तो भाई साइनेमेटिक में दिखाने की कोशिश करता हूँ। माशाल्लाह पहला कलेक्शन है, और मैं अपने आर्ट लॉग में जैसे मैंने आपको इंट्रो में बताया, फर्स्ट ईयर के मुताबिक मेरे भाई ने बहुत बड़ा कलेक्शन पाला है। सबसे बड़ी चीज़ फार्म का इन्वायरमेंट, माशाल्लाह फैमिली इन्वायरमेंट है, तो भाई विजिट ज़रूर करना। और प्राइस के लिए नंबर गिवन होंगे, तो जो कलेक्शन आपको पसंद आए, ओए होए माशाल्लाह माशाल्लाह, अपना साइनेमेटिक है, तारीफ तो करने दो। यह है दूसरा बरामद बछड़ा दोस्तों। अच्छा जी, अब आते हैं वापसी ट्रैक पे। तो मैं ये कह रहा था दोस्तों, फैमिली इन्वायरमेंट है, विजिट ज़रूर करना। नंबर गिवन है, स्क्रीनशॉट मेंशन करके आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, वरना कॉल करके भी प्राइसेस मालूम कर सकते हैं। कलेक्शन तो बहुत सारा है भाई के पास, मगर मैं सिलेक्टिव कलेक्शन ही सिलेक्ट करके आप लोगों को अपने आर्ट लॉग में दिखाता हूँ। लड़कों, मैंने आप लोगों को हुनानी कैटर फॉर्म के दो बड़े बछड़े दिखाए, अब दिखाता हूँ एक खूबसूरत और नायाब चीज़, माशाल्लाह शार्ले बछड़ा। दोस्तों ऐसी नायाब प्रिंट्स, ऐसे कलेक्शन बहुत कम देखने में मिलते हैं, और शार्ले हुनानी कैटर फॉर्म पे मौजूद है। लड़कों ये बछड़ा नॉट कमिंग स्लो, इसका ये सीन था, तो मैं इसको इतनी देर रोक नहीं सका, और आपके भाई ने साइनेमेटिक बनाने की कोशिश की है। माशाल्लाह बछड़ा बहुत हसीन और शौक करा देने वाली चीज़ है। तो लड़कों हुनानी विजिट करना है, अब दिखाएंगे चोलिस्तानी बछड़ा। भाई इस बछड़े के चेहरे में माशाल्लाह से एक अलग ही रंगत थी। खैर दोस्तों, यहाँ तक का आर्टवर्क देखने के बाद आपको चीज़ का आइडिया तो हो गया होगा कि हुनानी कैटर फॉर्म में मिड रेंज के अंदर बहुत सी नयाब कैटेगरी मौजूद है। तो लड़कों विजिट तो ज़रूर बनता है, और वो भी फैमिली के साथ, क्योंकि हुनानी का इन्वायरमेंट फैमिली इन्वायरमेंट। तो लड़कों इसके साथ एक और बछड़ा दिखाता हूँ, मिड रेंज की सबसे अच्छी चीज़ हुस्न और चेहरा, माशाल्लाह। भाई ये बछड़ा भी मुझे बहुत पसंद आया हुनानी कैटर फॉर्म का। खूबसूरती में अगर बात करें और साइज़ पे बात करें, बहुत अच्छी चीज़ है कसम से। इस बछड़े को देखने के बाद मेरा ये दिल कर रहा था कि काश आपके भाई का भी एक हवेली होती, मतलब एक बंगला, और मैं इसको पालता। अब दिखा रहा हूँ फेमस गेना हुनानी कैटर फॉर्म का, चर्च शाइनिंग ब्लैक। ब्लैक में इतना हुसन, इतनी खूबसूरती कि बस देखो और देखते रह जाओ। वो कहते हैं ना कि बस मेरे शौक में अल्लाह ने एक तोहफा दिया, और शौकीन ने इसका हक अदा किया है इसको पाल के। लड़कों हुनानी कैटर फॉर्म का ये गेना, जब इसकी पिक्चर भी अपलोड हुई थी तो काफ़ी सारे ऐसे कमेंट्स आए थे कि हम ये देखने ज़रूर जाएंगे, और यकीनन शौकीन वाकई जाएगा, क्या पता मेरे आर्ट लॉग डलने तक ये सोल्ड आउट भी हो चुका हो। लड़कों अब दिखाता हूँ एक और चीज़, बछड़ी, माशाल्लाह। अच्छा जी, बछड़ियाँ तो बहुत सारी मौजूद हैं हुनानी कैटर फॉर्म में, मगर मैं अपने आर्ट लॉग में आपको एक ही बछड़ी दिखाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ बछड़ी लवर्स हुनानी कैटर फॉर्म विजिट करें और जाएं और जाकर अपना शौक करें। मैंने आप लोगों को एक चीज़ दोबारा बताऊं दोस्तों, हुनानी कैटर फॉर्म में 21 के साथ 22 का कलेक्शन भी मौजूद है, और कुछ ऐसी बछड़ियाँ भी मौजूद हैं जो 22 में उफ एंड कर देंगी, तो भाई विजिट तो बनता है। लड़कों लाल साहिवाल बछड़ी माशाल्लाह से भरपूर नाव चारण में, तो भाई इसके साथ और ही बछड़ियाँ, उनके बस एक ही शॉट में दिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैंने कहा ना जाना तो बनता है। भाई इस बछड़ी के साथ और बहुत सी बछड़ियाँ हुनानी कैटर फॉर्म में मौजूद हैं, जिनको मैं गो थ्रू कराऊंगा, और उसके बाद हुनानी कैटर फॉर्म की और भी चीज़ें बताऊंगा कि हुनानी कैटर फॉर्म में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। माशाल्लाह ये दोनों गेनियाँ, ये मैं अपने आर्ट लॉग में मैंने शूट नहीं की, क्योंकि इनकी पिक्चर में ही ओहो बछड़े आपके सामने, ये सारा का सारा कलेक्शन फॉर सेल है। तो भाई जब भी विजिट करो कमेंट करके बताना क्या पसंद आया। अब बात करते हैं कलेक्शन की बात 21 के बाद 22 की, तो भाई 22 का कलेक्शन भी मेरे दोस्त ने जमा कर रखा है, और बच्चे देख रहे हो आप, माशाल्लाह से अबलग चोलिस्तानी साहिवाल, ओए होए गुलाबी नाक में तो एंड कर दिया है। इसके अलावा मेरे भाई बकरियों का शौक भी मेरे भाई को बहुत है, बकरियों से माशाल्लाह मेरे भाई ने ब्रीडिंग स्टार्ट किया, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में बकरों का भी बेहतरीन शौक करेंगे। तो हुनानी कैटर फॉर्म एक ऐसा सर्कल है जहाँ पे शौकीनों की पसंद की चीज़ तैयार की जा रही है, और पहले साल के मुताबिक बहुत ज़बरदस्त कलेक्शन है। तो लड़कों नेक्स्ट ईयर तुम्हारा भाई इंशाल्लाह एंड कर देगा। भाई विजिट जब भी करें कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपका रिव्यू क्या है हुनानी कैटर फॉर्म को लेके। बाकी अब आर्ट लॉग को एंड करते, चलें फिर आर्ट लॉग को एंड करते। तो आज का आर्ट लॉग आपने देख लिया, ये था हुनानी कैटर फॉर्म का कलेक्शन जो मैंने आप लोगों को अपने प्रेजेंट किया आज। और हसीब हमारे चैनल का नाम क्या है? कैटल क्रेज। कैटल क्रेज, इसको लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें भाई, कर देना। बच्चे ने बड़ी मेहनत से बोला है, 2 मिनट की स्क्रिप्ट दी थी मैंने इसको। दोस्तों आपने आज का कलेक्शन देख लिया, ये आर्ट लॉग था, बड़ी मेहनत से हमने बनाया, और इंशाल्लाह
इसी उम्मीद के साथ पहला साल अच्छा गुजरा और आप लोगों की सपोर्ट के साथ आने का फॉर्म अगले साल भी इंशाल्लाह और ज्यादा अच्छा कलेक्शन आने की कोशिश करेगा। विजिट करेगा, लोकेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, पैसे सैमसू वाटर पार्क की तरफ है, नंबर सारी डिटेल मैं आप लोगों को दे दूंगा, तो विजिट जरूर करना है। मैं बोलो मेरे फार्म पे आ जाइएगा, मेरे फार्म पे आ जाइएगा, इनके फार्म पे जरूर आएगा। तो चलिए मेरे दोस्तों आज के व्लॉग में एंड करते हैं, मिलेंगे अगले व्लॉग में, आज के लिए अल्लाह हाफिज़, आ जाओ। भाई इधर आओ, इधर इधर आओ, इधर आओ, जल्दी जल्दी जल्दी। भाई सीन ऐसा है कि हम भी आए थे यहाँ पे और आपके भाई ने ना अपीयरेंस दी नहीं है इस व्लॉग में, तो सिर्फ रिजवी का कमाल नहीं है, माशाल्लाह ये पूरी टीम का कमाल है। और कैसा रहा ये व्लॉग ये भी बता दो तुम। बहुत मजा आया इस व्लॉग में और बहुत खुआरी लगी है। खुआरी कैटल के चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। भाई कर देना, रिजवी ने भी बोला था लेकिन हम इसलिए आए क्योंकि मेहनत इक्वल थी और आज के व्लॉग में हो गया। क्यों कर ही दिया हमने। चलो भाई अल्लाह हाफिज़, अगले व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।